नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को फिल्म मोरा के अंदर यह बताऊँगा कि कैसे हम लोग टाइमलाइन पे वीडियो को ऑडियो से अलग कैसे करते हैं या ऑडियो को वीडियो से कैसे अलग करते हैं। जैसे ही आप फिल्म मोरा को ओपन करेंगे तो उसका कुछ लुक ओपनिंग स्क्रीन इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे दो मोड है, एक 4:3 का और 16:9 का। तो बेस्ट है 16:9 का चूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको HD क्वालिटी मिलेगा। तो यहाँ फुल फीचर्स में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फुल फीचर्स मोड को मैंने सिलेक्ट किया। थोड़ा समय लगता है थोड़ा ओपन होने में। मुझे एक सब्सक्राइबर ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि कैसे मैं ऑडियो को वीडियो से कैसे अलग करेंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं, मेरा फिल्म मोरा ओपन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेनू बार है, यहाँ फाइल एडिट एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड हेल्प। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे देखिए टाइमलाइन का ये वाला टाइमलाइन का विंडो, यहाँ देखिए ये वीडियो ट्रैक है, उसके बाद ये आपका ओवरले जो देते हैं हम लोग उसका ट्रैक है, उसके बाद टेक्स्ट ट्रैक है, फिर आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेशल अगर कुछ म्यूज़िक देना है उसके लिए है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट का एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इंपोर्ट और दूसरा रिकॉर्ड। तो इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया टू लाइब्रेरी, इसमें क्लिक कीजिए। उसका क्लिक करने के साथ इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, इंपोर्ट मीडिया फोल्डर, इंपोर्ट फ्रॉम कैमरा और फ़ोन। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं एक वीडियो क्लिप लेकर आता हूँ, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब जिस ड्राइव में भी, चाहे कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, कहीं पे भी जहाँ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या जिस क्लिप से आपको वीडियो को ऑडियो अलग करना है या ऑडियो को वीडियो से अलग करना है, तो उस वीडियो क्लिप को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ नाम से एक वीडियो क्लिप है, ये मैंने क्लिक किया। उसके बाद ओपन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट का जो बॉक्स नीचे दिखाई देगा वहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नाम से यहाँ पे दिखा आ गया वो वीडियो क्लिप। अब आपको क्या करना है, ये देखिए वाइल्ड लाइफ नाम से वीडियो क्लिप है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और इसे ड्रैग करते हुए लाकर यहाँ पे नीचे टाइमलाइन का जो वीडियो ट्रैक है उस पर ला कर रख दीजिए। यहाँ पे अलग अलग कुछ टूल्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं, और उसके ऊपर ठीक ये टाइमलाइन देखिए, ये वीडियो ट्रैक है, उसके ठीक नीचे आपको वेव फॉर्म में थोड़ा सा, इसे मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ इसका। ये देखिए आपको, देखिए वेव फॉर्म में आपको ऑडियो नीचे इस वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी है। अब ये टाइमलाइन स्क्रबर है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये व्यूअर विंडो है, जो भी वीडियो हम लोग प्ले करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसे प्ले करता हूँ, ये देखिए इसके साथ देखिए यहाँ पे चल रहा वीडियो क्लिप, और साथ में आपको म्यूज़िक का, ये देखिए म्यूज़िक का मीटर भी यहाँ पर शो कर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका जो वीडियो है और साथ में ऑडियो है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको अलग करना, ये टाइमलाइन का जैसा कि ये वीडियो ट्रैक है और नीचे में देखिए ऑडियो भी शो कर रहा है। अब क्या करेंगे, वीडियो क्लिप के ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक कीजिए तो एक ऑप्शन उभर कर आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए ऑडियो डिटेच लिखा हुआ, ऑडियो डिटैच लिखा हुआ है, ऑडियो डिटैच, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस ऑल प्लस डी, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अलग यहाँ से इसका ऑडियो जो था यहाँ से अलग हो गया, वीडियो का जो ऑडियो था यहाँ से अलग हो गया। अब उसके बाद ये नीचे वाला देख सकते हैं, इसका ऑडियो के लिए ट्रैक है। अब इसे आप इस ऑडियो ट्रैक को जो दिल करे आप इधर से उधर मूव कीजिए, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आप इसे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑडियो को आपको मूव करना है, ऑडियो भी आप मूव कर सकते हैं, इसे भी आप डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और देखिए इसके साथ इसका ऑडियो था, ऑडियो को देखिए मैं जिधर मन करे उधर मूव कर पा रहा हूँ, इसे ले जा सकता हूँ, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब सिर्फ ऑडियो को रखना है तो इस वीडियो को राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए, तो ऑडियो सिर्फ रह जाएगा। और ऑडियो को ही अगर नहीं रखना है तो राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑप्शन उभर कर आएगा, उसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा ऑडियो लेकर आइए, उसके साथ इस वीडियो के साथ रख दीजिए नीचे वाला ट्रैक में। तो इस तरह हम लोग ऑडियो और वीडियो को अलग कर सकते हैं, सिंपल आसान तरीका। ये मैंने आपको फिल्म मोरा के अंदर बताया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी वीडियो को ऑडियो से अलग कर सकते हैं। और बाद में वीडियो के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, मतलब जिस वीडियो के साथ ऑडियो अगर नहीं चाहिए उस ऑडियो को रिमूव कर दीजिए, फिर नया ऑडियो लेकर
जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो कुछ भी हो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल आसान तरीका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।